सभी प्रियजनों को आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके घर में तुरंत मंगल कार्यों की शुरुआत करें। जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन बच्चों का विवाह का लगन नहीं बैठ रहा है, उनका तुरंत और बहुत शीघ्र लगन बैठे और विवाह योग बने और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु घर में आपके शुभ कार्य, मंगल कार्य शुरू कर दें। आज के दिन रात को अगर आप दिवाली मना रहे हैं 31 तारीख को, तो आज इस उपाय को कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आप कल 1 नवंबर को दीपावली मनाते हैं तो कल कर लीजिए। और जो लोग आज, जिनको ये वीडियो नहीं मिल पाएगा, वो कल भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आज आपको ये वीडियो मिल जाता है तो आज आप इस उपाय को कर लीजिए। उपाय बहुत आसान, छोटा सा है। छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि आपको तुरंत मिल जाए। आप आज या कल में इस उपाय को कर लें। और मान लीजिए कि आपको ये दोनों ही दिन में वीडियो नहीं मिलता है, आगे कभी जाके मिलता है, तो फिर किसी भी अमावस्या की रात को इस उपाय को कर लीजिएगा। जिस भी अमावस्या की रात को आप इस उपाय को करेंगे, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा। करना कैसे है इस उपाय को आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारा हिम्मत और हौसला है, और आपका शेयर दूसरों के जीवन में खुशियाँ लेके आता है, तो आपके घर में भी खुशियाँ आती हैं, आपके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। कैसे करेंगे दीपावली के दिन, यानी कि अमावस की रात को ये उपाय? आप जैसे ही आपकी पूजा करें, आज के दिन करें या कल के दिन करें, तो माँ लक्ष्मी के पूजा के जो सामग्री आप अर्पित करेंगे, उसमें आपको एक मुट्ठी पीली सरसों अर्पित करना है। एक मुट्ठी पीली सरसों अर्पित कर दीजिए माँ लक्ष्मी के आगे, विष्णु भगवान के आगे। और तुरंत बच्चों का विवाह योग बने, बच्चों के विवाह शीघ्र तय हो जाए, पक्का हो जाए, अच्छा रिश्ता आ जाए, उसके लिए विनती प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान के आगे। आप उनके आगे उनके किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। विशेष तौर से मैं आपको कहूँगी कि आज गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप जरूर करें। और जाप करने के बाद जितने आपकी यथाशक्ति आपका मन करे उतना जाप कर लें। बीच में ये भी बता दूं कि आपके इस उपाय को बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। जैसे ही आप जाप कर लें, आपकी पूजा कर लें, सब कुछ कर लें, इस सरसों के दाने उठाइए, यानी कि पीली सरसों उठाइए। और अगर तो आपके घर की छत है, जैसे बड़ी सिटीज में मुश्किल हो जाती है ना, तो अगर तो आपके घर की छत है तो आप इसको पीली सरसों को आपके घर की छत पर ले जाएं, और छत पर ले जाके और आपको इसे दशा दिशाओं में फेंकना है। दसों दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार तो ये हो गई, चार हो गई ईशान कौन, आग्नेय कौन, वायु कौन, नृत्य कौन, ये चार ये हो गई, आठ हो गई, और एक आकाश ऊपर और पृथ्वी, दस दिशाएं हो गई। दसों दिशाओं में आपको एक एक चुटकी इस एक मुट्ठी को में से कुछ कुछ दाने लेके दसों दिशाओं में आपको फेंक देना है, छत पर जाके, है ना, आपके घर की छत पर फेंक दीजिए। और मान लीजिए अगर आपके घर की छत नहीं है, आपका घर नीचे की तरफ में बना हुआ है, ऊपर छत नहीं है, तो फिर आप यूँ करिएगा कि पूरे घर में आप दो दो चार चार दाने एक मुट्ठी ले लीजिए, या किसी बर्तन में है पीली सरसों तो वो ले लीजिए हाथ में, और लेके और उसमें से दो दो चार चार दाने पूरे घर में बिखेर दीजिए इसको। फिर भी आपकी दसों दिशाओं में ये पीली सरसों बिखर जाएगी। और आप जानते नहीं हैं कि इस चमत्कारी रात में, ये जो अमावस की रात होती है, पीली सरसों का ये उपाय अत्यंत चमत्कारी है, जादू करता है आपके घर पर। दसों दिशाओं से आपके भगवान की कृपा बरसने लगती है, दसों दिशाओं से देवीय कृपा आप पर प्राप्त होगी। और जैसे ही देवीय कृपा प्राप्त होगी, यानी कि आज की रात, कल की रात या किसी भी अमावस की रात, तो तुरंत बच्चों का विवाह योग बनेगा, शीघ्र बच्चों के लिए रिश्ता आएगा, आप करते जाएंगे और आपको चमत्कार दिखेगा, देख लेना। और आपको शुभ संदेश भी मिलेंगे। शुभ समय में किया गया कार्य हमेशा शुभ परिणाम देता है, आप करके देखें। सभी देवों की कृपा आप पर बरसेगी, सभी देव आप पर प्रसन्न होंगे। ये पीली सरसों का टोटका दीपावली की रात इतना चमत्कारी है, इसे आज की रात या कल की रात जरूर करें। बच्चों का विवाह योग बनेगा, आप जो रिश्ता पसंद करते हैं, अगर कोई ऐसी बात है कि आपको रिश्ता पसंद है और वो आया हुआ है, तो आप जब
पीली सरसों बिखेरेंगे, तो उस वक्त में उसी रिश्ते की कल्पना करेंगे, इच्छा करेंगे, मनोकामना करेंगे। ये बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनको कोई रिश्ता पसंद है, कोई लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को कोई लड़के पसंद हैं, तो वो उस रिश्ते के लिए मन में इच्छा कामना कर सकते हैं उस वक्त जिस वक्त वो पीली सरसों बिखेरेंगे और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हमारी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए। इसके साथ ही आपकी सिर्फ विवाह की ही नहीं, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इस रात्रि में किया गया उपाय। जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री महालक्ष्मी आई नमः जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।